जब बात सलीम की हो तो हर चीज मुख्तलिफ होती है, एक अलग ही लेवल पे, लाइट की स्पीड पे। तुम बिल्कुल हैरान होगी। होना भी चाहिए। जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुक होता है और जब कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाए, और जब बात हो सलीम के केस की, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके तुम जैसे लोगों पर हंसती हूँ। बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ। सलीम मैं क्या करूं, मैं बहुत डर गई हूं यार, समझो तुम। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है? शायद ये तुम्हें खौफ की वजह से लग रहा है। नहीं, कितनी दफा कहूं कि मैं श्योर हूं। सुबह जब उस आदमी को मैंने अपने सामने देखा तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि ये मुझे मारने आया है। मैं बेवजह तो कुछ नहीं कहूंगी ना। ठीक है, लेकिन शायद वो तुम्हारी जासूसी ना कर रहा हो, तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है। ठीक है सलीम, समझ गई हूँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सलीम, मैं देख लूंगी अपना। मैं बहुत खुश थी सलीम कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम तो यार ब्रिजिक, तुम फौरन इतना जज्बात में क्यों आ जाती हो? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस खौफ के साथ तुम जिंदगी नहीं गुजार सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम्हारी सारा कैसी है वैसे? ठीक है। ठीक है का क्या मतलब है? सारा बहुत राजदार सी लड़की लगती है। मेरा मतलब है एक एवरेज सी लड़की, सिंपल सी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन दरअसल वो बहुत वियर्ड है। दरअसल कुछ अजीब सी ही है। हाँ हाँ, यही सही अल्फाज है। बेरंग सी बिल्कुल। तुम बेहतर है कि कुछ ना ही कहो, क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने खुद देखा उनको एक साथ निकलते हुए, हाथ पकड़े हुए थे दोनों। क्या करती मैं? सवाल करती क्या उन दोनों से कि तुम दोनों साथ क्यों हो? नहीं मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम इसके लिए अपने आप को ब्लेम ना करो। प्यार मोहब्बत में सब कुछ हासिल नहीं होता। सारा सारा मेरी जान, तुम अपने आप को ब्लेम नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। खैर जाने दो उसे। शायद अच्छा ही हुआ, किसी अमीर जादे के प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूं, बहुत अच्छा हुआ। वैसे ये तो है कि सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें क्या लगता है सारा? जितनी ऊंचाई से गिरो तकलीफ उतनी ही ज्यादा होती है। सलीम साहब, मैं आपसे उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने उस दिन आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। उस दिन पार्किंग में एक गाड़ी का टायर फट गया था। ब्रिजिक मैडम की गाड़ी का? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। बहुत डर गई थी वो। दिन दिहाड़े किसी का टायर फट गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। हाँ, और किसी ने देखा भी नहीं, वाकई ऐसा है क्या? वो क्या? और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? वो उस वक्त रो रही थी, उनके दोस्त उन्हें चुप करा रहे थे, और उसी वक्त मैं वहां पहुंच गया, तब मुझे पता चला।
इसका मतलब है तुम वहाँ मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल, मैं वहाँ मौजूद था। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाऊंगा, किस कमीने ने ये सब कुछ किया है पता चल जाएगा। और हाँ, तुम लोग यहाँ आराम करने के लिए नहीं आते हो। अगर तुम पार्किंग लॉट की हिफाजत नहीं कर सकते तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। गई थी मेरी, मैंने कैमरे क्यों नहीं देखे थे उस वक्त? कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। आपका शक बिल्कुल सही था, आप प्रेग्नेंट हैं। मुबारक हो, तकरीबन 7 हफ्ते हुए हैं। सात हफ्ते का? बिल्कुल, अब आप बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन नहीं लेंगी। आपको याद है कि जब आप चेकअप के लिए आई थी तो मैंने आपसे कहा था ना, अब आपको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है और मैंने जो कहा है उसका ख्याल रखना है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। आने वाले हफ्तों में कुछ और भी टेस्ट होंगे जो बहुत जरूरी हैं। कैसे टेस्ट? दरअसल देर से माँ बनने वाली औरतों में कुछ रिस्क ज्यादा होता है, उसकी एहतियात है, तुम जानती हो। जानती हूँ, लेकिन अभी ये सब सोचने के लिए वक्त है। फिलहाल आने वाले वक्तों में अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगी। इतने सालों बाद तुमने माँ बनने का फैसला किया, इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया है। यूं समझ लो कि ये गलत फैसला था जिसे सही वक्त पर बदल लिया है मैंने। एहसन को भी ये बच्चा चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए होगा। ज़ैनब, मैडम सेक्रेटरी ने एक और पोस्ट अपलोड की है। क्या कह रही हो तुम अदा? एक काली बिल्ली सलीम और बिरजिक के रास्ते में आई। सलीम साहब एक बहुत बड़े प्लेबॉय हैं। कहा जाता है कि ये खबर सुन के बिरजिक गुस्से से पागल हो गई। मोहब्बत रुलाती है। ये मैडम सेक्रेटरी है कौन यार? पता नहीं एकदम से कहां से आ गई है, समझ नहीं आया। हाँ हेलो लड़कियों, खुश आमदीद। बिरजित, उस दिन के वाकये के बाद से हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। सलीम के साथ कॉलेज आई हूँ मैं। अरे क्या मतलब कि तुम सलीम के साथ कॉलेज आई हो? आहा, इतना हैरान क्यों हो अदा? इसमें हैरान होने की क्या बात है? नहीं मेरा मतलब, मुझे लगा वो सारा के साथ कॉलेज आएगा। नहीं अब नहीं, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। क्या मतलब, ब्रेकअप हो गया क्या उनका? हाँ ना, तुम दिन गिन रही थी क्या? ये कौन सा लव फॉरएवर था यार, ये तो होना ही था ना। वैसे तुमने मैडम सेक्रेटरी के बारे में सुना था क्या? उसने लिखा है कि तुम गुस्से से पागल हो रही थी। नहीं भाई झूठ है ये। हाँ दिखाओ मुझे। ये न्यूज तो सलीम को हिला के रख देगी। Handsome playboy, maid. हाँ। लेकिन ये मैडम इन्वेस्टिगेशन में कुछ अच्छी नहीं है। ये केस तो खत्म हो चुका है ना, और इन्हें मालूम ही नहीं। हेलो सलीम। हेलो, कैसे हो? सारा नजर नहीं आ रही, कहीं देखा तुम लोगों ने उसे? मुझे नहीं लगता शायद आज वो कॉलेज आएगी। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। ओ, तो आखिरकार हमारे प्रिंस वापस आ गए। क्या हाल है? हाल कैसा होगा? तुम कहाँ थे ये बताओ, फोन तक नहीं उठा रहे थे। फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझसे भी नहीं सलीम? जी आपसे भी नहीं करनी। क्यों, अब मैंने क्या किया है? अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप बाबा को सही साबित करने में लग जाएंगी, फिर आप मुझे समझाने लगेंगी जैसा आप हमेशा करती हैं। तुमने मुझे ऐसा कैसे समझ लिया सलीम, और मैंने बाबा का साथ कब दिया बताओ जरा? आप जरा एक बार सोच के तो देखिए कि आपने कब कब उनका साथ नहीं दिया, शायद आपको याद आ जाए।
ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं हमेशा बाबा के साथ देती हूँ सलीम? क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? हैरत है, आपने कभी सोचा ही नहीं। मसलन? मसलन? आइए मेरे साथ आइए आप। चले तो सही। कहाँ लेके जा रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? सलीम, सलीम। क्या आपको याद है जब एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था उसके बाद याद है? मेरी वजह से किसी की जिंदगी चली गई। मैं डर से कांप रहा था, उस गुनाह के बोझ तले दबा हुआ था, और आप मुझे ये कह रही हैं? समझ नहीं आता ये आप कैसे कह सकती हैं। याद है आपको? ये बात मैं कभी नहीं भूला। तुम भी उस बात को भूलते नहीं हो। कितने साल गुजर चुके हैं, भूल क्यों नहीं जाते उस बात को? क्यों अपना मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने बाजी। सलीम, सलीम एक मिनट रुको। इस हादसे को कई साल गुजर चुके हैं। वो आदमी नशे में तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन बाबा ऐसा नहीं सोचते। वो हर मेरी गलती पर मुझे वो हादसा याद दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि मैं किसी की मौत का जिम्मेदार हूँ, और आप सब लोगों में उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही किसी ने यह कहा कि मैं बेकसूर हूं। सलीम, इस चैप्टर को अब क्लोज करो। ठीक है, मैं मानती हूं तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन ये इस हकीकत को नहीं बदलता कि मैं कातिल हूं। सलीम, तुम बिला वजह खुद को तकलीफ दे रहे हो। हमें इस बात को यही खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई और हल नहीं है। खैर, ये बताओ, सुबह सारा को देख के हैरानी तो बहुत हुई होगी ना? सारा कहां से आई? ओनर ने तुम्हें समझाने के लिए उसे तुम्हारे घर भेजा था। क्या मतलब, सारा मेरे घर पर आई थी? हाँ। जब आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे मामले से दूर रहें। अरे यार, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। मुबारक हो, आपकी रिपोर्टें बिल्कुल ओके हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हो असना? हेलो, तुम बताओ। सब ठीक तो है ना? तुम और यहाँ? क्या मतलब? वो नर्स तुमको मुबारकबाद क्यों दे रही थी? हाँ, एक टेस्ट करवाया था, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, कोई खतरे की बात नहीं है। तुम आजकल मुझे हर जगह नजर आ जाती हो, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि मेरा पीछा कर रही हो। क्या वहां बैठे? अभी भी कॉल कर रहा है यार, पता नहीं अब कौन सा झूठ बोलना होगा। उठा लो, शायद कोई जरूरी बात करनी हो उसने। शायद मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं पिनार। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि किसी ने दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। मेरी जैसी लड़की मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं दोबारा इन सब में नहीं पड़ने वाली। तुम्हें पता है सलीम जैसे लोगों को हर चीज कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मिल जाती है। उसके लिए किसी का भी दिल तोड़ना बहुत आसान है। एक वक्त में कई लड़कियां घुमाता है ये। बहुत आसान है ये सब उसके लिए। खैर है, अच्छा ही हुआ। अब मैं सलीम का साया खुद पे नहीं पड़ने दूंगी। कैसी है मिस सारा? सुनो, तुम लोग कैफे जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है, बाय बाय। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? हम सब गए काम से। हुआ क्या है? क्या हुआ? सलीम साहब आए थे मेरे पास। सलीम क्या? सलीम ने क्या कहा? वो कह रहे थे कि मैं पार्किंग के सारे कैमरों की फुटेज चेक कराऊंगा।
कैमरा? क्या? वो कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? खुद बताया है उन्होंने मुझे। क्या उसने तुम्हें खुद बताया है? हाँ तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो मुझसे बात नहीं कर सकते? क्या करोगी तुम? मेरा क्या लेना देना इससे? जो किया है तुमने किया है। हाँ एक बात याद रखना, मैं पकड़ा गया तो बचोगी तुम भी नहीं। ओ अच्छा, ऐसा है। बेवकूफ बच्चा। बस एक सुई की जरूरत है, ठीक ठीक इसमें घुसानी है और बस। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो फिर ऐसा है कि ये काम तुम करोगे। तुम ये अभी वापस करो। दो मुझे, दो। मैंने कहा ना दो। अभी ये सिर्फ मेरे पास है, अगर जरा सी भी चलाकी की तो ये सबके पास पहुंच जाएगा। समझ गई? अब तुम सब संभाल लोगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि मेरे और ब्रिजिक के दरमियान कुछ नहीं है, हम सिर्फ बचपन के अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, शायद तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ था। अगर ऐसा वैसा कुछ था तो वो सब कुछ गुजर चुका है। गुजर चुका है तो नजर क्यों आ रहा है? सुनो गौर से, मानता हूं कि ब्रिजिक कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन क्या हम ब्रिजिक वाले मसले को खत्म कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं? मैं कुछ भी शुरू नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ब्रिजिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम साहब मेरे बस से बाहर हैं। एक मिनट, क्या मतलब सलीम मेरे बस से बाहर है? खुल के बताओ मुझे। तुम्हारे आसपास बहुत लोग होते हैं, तुम्हारी आदतें बहुत अलग है। पता नहीं कितनी लड़कियां मरती हैं तुम पे, गिनते ही रहो बस। उसमें से एक तो तुम्हारे पीछे इतना पागल थी कि जान दे रही थी। यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये सब हालात की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं। हाँ अब तुम हालात को जिम्मेदार ठहराओगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम हर किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद है। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम बहुत कंफ्यूज हो गई हो, तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना है। तुमसे बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रेस नहीं ले सकती और मैं उन चीजों पे फोकस नहीं कर सकती जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें ये सब यही खत्म करना होगा। हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब खत्म। जो चीज शुरू ही नहीं हुई तुम उसे खत्म कैसे कर सकती हो सारा? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो और ये तुम खुद भी नहीं जानती। हेलो असना मैडम। रजब कहां है? वो नहीं आया, मैं उसका पार्टनर हूं। साहब का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि पार्टनर भी है? मुझे दिखाओ क्या है। ये औरत कितनी बेपरवाह है, बीच बाजार में हरकतें देखो। आप सही कह रही हैं, मैं भी यही देख रहा था जब मैंने वो आखिरी तस्वीर ली। माशाल्लाह, बड़ी हिम्मत है इसमें। तुम्हारे ख्याल में इसका शौहर नहीं जानता ये?
नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं है उनको। मेरे लिए एक नया नंबर खरीदो, ये तस्वीरें मैं उसे भेजूंगी, ठीक है? जैसे आपका हुक्म। मेरी एक बात सुनो, अपने बॉस से कहो ज्यादा बड़ बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, मैं बता दूंगा उसे। तुम्हारी माँ तुम्हारे मुस्तकबिल की तैयारी कर रही है। मैं तुम्हारे बाबा की जिंदगी से तमाम इजाफी चीजें एक एक करके साफ कर दूंगी, फिक्र नहीं करो। सारा आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अपने काम से काम रखो। सारा तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अब तुम ये कहोगी कि सीट बेल्ट मैंने जानबूझकर तोड़ी है। बहुत अच्छा मजाक है। क्या? कुछ नहीं सारा, अब क्या देखना भी मना है? देखो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। किसी का रोड पे ऐसे पीछा करना सही नहीं है। सलीम, हमारा रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारा, अब ये मत कहना मुझसे कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज, आखिर तुम एक समझदार लड़की हो। मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ी बुजदिल भी। अच्छा, और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुम बहादुर और स्मार्ट भी हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं। क्या तुम कभी थकते नहीं हो? अगर मुझे ये सब कुछ खत्म ही करना होता तो मैं कभी इसकी शुरुआत ही नहीं करता सारा। बाबा जान, क्या तुमने अपने भाई से बात की? जी बात हुई है मेरी, मैंने उसे कॉलेज में देखा था, वो तो मेरा फोन तक पिक नहीं कर रहा था। तो क्या बोला? क्या बोलेगा, वो हम दोनों से बहुत नाराज है। अपना तो समझता हूँ, लेकिन तुमसे क्यों नाराज है? वो समझता है कि मैं हर बात में आपका साथ देती हूँ, मतलब मैं उसका साथ नहीं देती, वो ऐसा समझता है। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं मैं, पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में था वो, और सबसे ज्यादा आप पर है। उसका मुझ पर गुस्सा होना जायज है, वैसे भी वो मेरे साथ खुश नहीं होता। अब वो दादी के पास ही रहेगा। तुम्हारी दादी तो बहुत खुश होंगी। क्या आप जानते हैं 2 दिन बाद सलीम का बर्थडे है? मालूम है। मेरे पास एक छोटा सा प्लान है और मुझे लगता है इस तरह से उसकी परेशानी दूर हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसा दिल चाहे करो। बाबा जान, बुरा मत मानिएगा, आप भी बिना वजह सलीम को बस डांटते रहते हैं। अब आप खुद को देखें बाबा, कितने उदास हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, आपका दिल भी नहीं लगता। अच्छा तो बात यह है, तुम भी मुझे इल्जाम देती हो, उसकी वजह से मुझे डांट रही हो। चले छोड़े इन बातों को, मुझे सालगिरह के लिए तैयारी भी करनी है।
दुनिया में गुम हो। तुम कैसी हो नाजन? नाजली, नाजली, नाजली नाम है मेरा, हर बार याद कराना पड़ता है। अच्छा ठीक है, भूल गया था। कैसे हो? बिरजिक के साथ पंगे ले रहे हो क्या? अच्छा तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं सब जानती हूँ भाई। मामला सही नहीं चल रहा। वो चाह रही है कि सारा इल्जाम मुझ पर डालकर वो इस मामले से आराम से निकल जाए और खुद बच जाए। शुक्र है मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। जैसे ही उसको सुना है, उसका रंग ही उड़ गया। मुझे शुरुआत से सब कुछ बताओ, क्या हुआ था? बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि आप यहाँ? जी हाँ। आपके साथ जो भी हुआ, यकीन करें मुझे बहुत अफसोस है उसका। यूं अचानक पार्किंग लॉट के कैमरों का खराब होना बहुत बड़ी गलती है हमारी। ऐसा है क्या? आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत जल्द वो कैमरे सही करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कीजिए उसको, ऐसे नहीं चल सकता है, करिए। मैं खुद इनकी कंपनी फोन करूंगा, उन्हीं के लोग आके कैमरे ठीक करेंगे। अच्छा ठीक है। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल मैं रेडी हूँ, बस आ रही हूँ मैं, बस अभी पहुंची मैं। सी यू लेटर। बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन हमारे हाथ में भी कुछ कम चीजें नहीं है। क्या मकसद हमारे हाथ में? अरे हम दोनों की बात कर रही हूँ, अगर अकेले खेलने का इरादा है तो तुम हार जाओगे। अरे जा इधर से, बड़ी आई मेरा खेल बिगाड़ने वाली। अच्छा गुस्सा मत हो, लेकिन एक अच्छे प्लान की जरूरत है ना। कैसी प्लानिंग? कोई बैंक लूटने वाली है क्या? हाँ उसी तरह से समझ लो कुछ। बिरजी कह रही थी हैव अ नाइस डे। हेलो। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन मैं समझी थी तुम नहीं आओगी। ऐसा हो सकता है कि आप कॉल करें और मैं ना आऊँ? बिल्कुल आऊंगी। क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है, मतलब बजाहिर तो सब ठीक ही है। क्या मैं आपसे सवाल करूं, कुछ हुआ है क्या? इस हफ्ते सलीम की बर्थडे है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि हमें सलीम को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देनी चाहिए। अरे ये तो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल करते हैं। उसके बर्थडे के लिए कौन सी जगह? ठीक है मैं सब ऑर्गेनाइज कर लूंगी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ करना है ये सब मैं देख लूंगी। मैं डिसाइड करूंगी। ओके गुड। अच्छा भूख लग रही है? नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो खा लो ना। ठीक है। एक्सक्यूज मी। Thank you.
क्या यही गली तुम्हारे घर जाती है? शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। सुनो, मुझे लगता है तुम्हें झगड़ा करना पसंद है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है, हर बात पर गुस्सा करना, रूठना मनाना, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके तुम्हें अच्छा लगता है सारा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब मैं जानबूझ के करती हूँ? तुम अपने आप को खुश क्यों नहीं रखना चाहती हो सारा? शायद मेरी खुशी तुम्हारे बगैर रहने में हो सलीम। सारा, एक मिनट रुको प्लीज, ऐसे मत जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जानती हो कि सबको हमसे क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है सबको हमसे, जरा बताना। लोग हमें दूर करना चाहते हैं, और तुम जानती हो शायद वो लोग सही हैं सलीम। बस सही से तो खेल, हाँ मार मार साली को। अबे यार क्या कर रहा है? क्या हाल है भाई लोग? ओहो आइए, खबर तो आपके पास होगी बेटा, और अब ऐसा होगा कि तू मेरा फोन भी नहीं उठाएगी। सच बताओ, मुझे मिस कर रहे थे ना तुम? मैं और तुझे मिस करूं? तू पागल हो गई? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वैसे भी सब सच्चाई जानती हूँ। पीछे हट, ज्यादा फ्री नहीं हो? और सारा दिन से कहाँ थी तू? काम कर रही थी, और कहाँ होंगी। अबे ओ वेटर, कभी मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आया कर, और ये बता कि आज तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अरे यार उस वक्त मैं अली से कुछ काम की बात कर रही थी। अली के साथ? पहले ही तेरे पास इतने सारे लड़के हैं, एक और आ गया। जेलिस मत हो, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। हाँ वो तो मुझे मालूम है, बहुत जल्द सब मेरे पीछे भागने वाले हैं, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सब मेरे आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। एक डकैत अपने आप को टॉम क्रूज समझ रहे हैं, वाह। अरे क्या कर रहे हो? अबे माजरत भाई, कोई तो काम ढंग से कर लिया कर। अच्छा ही हुआ भाई, दोबारा सारे करूं? काम उल्टे करता है तेरी तो, मैं अभी बताता हूँ तुझे। सारा, ये कौन सा वक्त है अलमारी ठीक करने का?
तो ये काम मैं कब करूंगी? सारा दिन तो मसरूफ होती हूँ। अम्मी, मेरे पास नॉर्मल लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े ही नहीं है, ना कोई शर्ट है ना कोई ड्रेस है। इधर आए, देखें जरा। तुम्हें तो कपड़ों का कोई शौक नहीं था, तो अभी क्या है? मेरा मतलब है, कभी दिल करता है अच्छे कपड़े पहनने को, कभी कॉलेज आके लड़कियों को देखें, ऐसा लगता है किसी की शादी में आई हैं। जाओ मेरे कपड़ों में से देख लो, बहुत कीमती कपड़े हैं मेरी अलमारी में, ऐसे ही रखे हैं, तुम जाके देख लो। क्या आपके कपड़े मुझे आ जाएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मैं भी तुम्हारे जैसी ही तो थी। ठीक है। मेरा कलेक्शन सबको पसंद आया, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी जान, हमारी बेगम हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहती है। कलेक्शन ऐसा बनना चाहिए जो जल्दी सेल हो, ये मत भूलना कभी। वो ठीक है ऐसन, पर सब चीजें एक के बाद एक होंगी, पहले अपने लिए एक मार्केट बनाना बहुत जरूरी है मुझे, उसके बाद बिक्री होती है। तुम्हें पता है मैंने सालों पहले भी ये किया है। एक मिनट रुको, ये काम मैंने पहले भी किया है, तुम्हें तो याद होना चाहिए। एक बात याद रखना, अगर आगे बढ़ना चाहती हो हमेशा आगे देखो, माजी आपको कोई फायदा नहीं देता। सही कहा, तुम हमेशा की तरह सही हो मेरी जान। ये क्या है? सूई डिश है ये सर, अगर आपको पसंद नहीं है तो। रुको रुको, इसको उठा लो यहाँ से। तुम इसे यहाँ पे रख दो, अब जा सकती हो। ये लीजिए, एंजॉय योर मील। बहुत शुक्रिया। सलीम बहुत शौक से खाता है लौकी का हलवा। मैं खुश हूं वो अपनी दादी से मिलने गया है, वो भी बहुत खुश होगा वहां। बाबा जान, इन बातों को छोड़िए, खाना खाइए प्लीज। बड़ी दूरी छोटी दूरियों से ही शुरू होती है। क्या मुसीबत है, उफ, घंटों बस का इंतजार किया, हालत खराब हो गई मेरी। अगर अहसन साहब की जेब से और पैसे निकलवा लो तुम, तो इन सब परेशानियों से बच सकते हो। लेकिन मेरी सुनता कौन है? मांगे थे उनसे, वो तो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, अगर वो नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? हमें यहाँ से बहुत जल्द निकलना होगा और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। सही कह रही हो, मैंने कब मना किया है? नोट छापने की मशीन लेकर आ जाऊं क्या? किस तरह समझाऊं इस औरत को? अगले महीने जब हमारा बेटा जेल से घर आएगा तो ये मोहल्ले वाले हमें जीने नहीं देंगे। काश हम इस इस्तांबुल नाम के दलदल से निकल जाएं। सारा और मेरे बीच क्या हुआ था सलीम ये जानने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ। कल रात जब मुझे लगा कि वो यही बात करेगा मुझसे, मैंने बहाना करके उसका फोन काट दिया फौरन। किस वजह से? तुमने ऐसा क्यों किया? बुराक, तुम भी तो मुझे कितनी बातें कह रहे थे ना कि वो लड़का तुम्हें अपने और सारा के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाह रहा था। फिर क्या हुआ? शायद तुमने कुछ सुना ही नहीं होगा। यार तुम अब बेकार बातें मत करो, वो दोनों कुछ भी करें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं नहीं, स्टूपिड मत बनो यार तुम, इतनी जल्दी तुम हार मत मानो बुराक। तुम कितनी जल्दी ये बात भूल गई कि मैं मरने वाला था? हाँ अब वो मामूली लड़की सारा किसी के साथ भी घूमे किसी के साथ भी जाए, मुझे इस बात से अब कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं सलीम को नहीं छोड़ूंगा जिसने एक मामूली लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा और उसे भी भूलने नहीं दूंगा। बुरा, तुमने मुझे डरा दिया था। मेरा मतलब है देखो, इस्तांबुल वापस आने के बाद तुम्हारी और सलीम की दोस्ती अब कैसी दोस्ती? हाँ
हाँ, बिल्कुल, मैं सलीम के साथ अपनी दोस्ती मजीद गहरी करूंगा। उसके साथ दोस्ती इतनी गहरी करूंगा, सलीम और उसकी दोस्ती दोनों को अपनी नफरत के समंदर में डुबा दूंगा। अरे ये तुम क्या सी रही हो सुबह ही सुबह? मेरे पुराने कपड़े हैं। सारा को बहुत पसंद है मेरा ये ड्रेस। इसकी जिप टूट गई थी, वो ठीक कर रही हूँ। माशाल्लाह, सूट तो बहुत प्यारा है। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि तुम सिलाई भी इतनी अच्छी कर लेती हो। क्यों नहीं कर पाऊंगी, मेरी माँ दर्जन थी, मैंने उन्हीं से सिलाई सीखी है, बाद में मैं उनका हाथ बटाती थी। इतनी अच्छी सिलाई आती है तुमको, तो कपड़े सीना शुरू कर दो ना, उससे पैसे भी आएंगे। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी। सारा को भी तुम्हारा ये ड्रेस बहुत पसंद आया था, है ना? बहुत महंगे लगते हैं ये सारे कपड़े तुम्हारे। ये सारे बहुत महंगे ड्रेसेस हैं मेरे पास। मैं जब ये ड्रेसेस लेती थी तो मेरी सहेलियां मुझसे जलती थीं। और अब देखो क्या है हमारा हाल। हाँ, ये क्या कर लिया? अरे उसमें से तो खून निकल रहा है। तुम ऐसे ही रहो, मैं आती हूँ अभी। अगर हमारी और इजाफी आमदनी होती और मैं भी काम करती तो इस बार मैं अपने पैसे कभी बर्बाद ना करती। मुझे अपनी क्लास लेने जाना है, क्या इसमें टाइम लगेगा? नहीं नहीं, मैं स्पीकर से कनेक्ट कर रहा हूं, बस हो गया। ठीक है। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? किसी ने कोई ऐप डाली है। कैसी ऐप? ये देखो, ये एक डाउनलोडिंग का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? इस सॉफ्टवेयर की मदद से तुम्हें कोई भी ट्रैक कर सकता है। असना, मैं भी अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं चाहती। मैं योगा पर तवज्जो दूंगी, तुम मेरी बाकी की क्लासेस कैंसिल कर दो। ठीक है मिस असना, ऐसा हो जाएगा। आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है ना? हाँ, बस ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, अपनी थाइस को कम करूंगी बस मैं आजकल। फिर ठीक है। आपने मुझे फोन किया, खैरियत तो है? मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा। मैं जानता था तुम एक नाकाबले एतमाद औरत हो। तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐप क्यों इंस्टॉल की? कौन सी ऐप? झूठ मत बोलो। सोतेले बेटे पर जासूसी का प्लान नाकाम रहा, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। क्या कह रहे हो? सलीम जान, सलीम जान, मेरी बात सुनो। तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? हम कल तक एक ही घर में रह रहे थे, मुझे क्या जरूरत है इन सब की? मेरे साथ खेलना बंद करो। मेरे गिर्द ऐसी हरकत करने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता। तुम ऐसा सोचते हो? इन बचकाना बातों की वजाहत करने के लिए मैं अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकती। मेरे पास ऐसी हरकतें करने के लिए वक्त नहीं है। तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है? हा? तुम तो ऐसा बोल रही हो कि जैसे तुम बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन चुकी हो। मैं देख रही हूँ फोन करते हुए तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत आ गई है, बदतमीजी कर रहे हो। सलीम, हिम्मत है तो अपने बाबा के सामने मुझसे ये सब बातें करके दिखाना, लेकिन तुम नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकेंगे। मेरी ये बात याद रखना। ठीक है। हेलो जी, ठीक हूँ। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है, कोई गलती ना कर बैठूं इसलिए आपको कॉल की है। जी जी, अभी कंप्यूटर खोला है। हाँ ठीक है। अब जैसा कि हमारी बात हुई थी, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स, कैमरास, सब कुछ।
बड़ी हिम्मत आ गई है, मेरी वजह से तुम बच गई हो, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। मैं तो डर गई थी। खोई हुई लग रही हो। आज का दिन कुछ खास शुरू नहीं हुआ। तो शायद मुझे बीच में आकर आपका मूड ठीक करना हो। अच्छा ख्याल है, लेकिन मैंने अपनी क्लासेस कैंसिल कर दी। अब से योगा जैसी हल्की एक्सरसाइज करूंगी। क्यों? मर्जी मेरी। अगर आप मेरी ट्रेनिंग से मुतमईन नहीं या मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल मेरा दिल कुछ पुरसकून करने को जा रहा है। ठीक है, जैसा आप कहें। आपके बाद मेरी कोई क्लास नहीं होती, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। अगर आपके पास अभी वक्त है तो कहीं कॉफी पिए। हाँ, वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है, और मुझे आपसे ऑनलाइन कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछना भी था, वो बताइएगा। वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, एक हफ्ते से कैमरे खराब हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कितने पैसे चाहिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए? तुम कितने दे सकती हो ये बोलो। बोलो, शर्माओ मत। छोड़ो, उसे बेचने का भी कोई इरादा नहीं है। बात सुनो पार्किंग लॉट वाले, मुझसे खेलने की जरूरत नहीं। खेल खेलने की उम्र गई मेरी, सुना है आपने। लेकिन मैं नचाता बहुत अच्छा हूँ, देखना चाहेंगी? अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने काम के लिए एक सिलाई मशीन ले लेनी चाहिए। सारा जान, कितना अच्छा इत्तेफाक है। मैं बस यही सोच रही थी कि एक रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुम्हें तो इस सब में बहुत एक्सपीरियंस होगा ना? नन्ही सी सारा, कितनी अफसोस की बात है, तुम प्रोफेशनल हो लेकिन अकेली हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली हूँ? अरे वो सलीम कहाँ है? देखा नहीं है ना मैंने उसे। मैं यहाँ हूँ बिरजिक। क्या हुआ? मुझे लगता है मैं अपने शेड्स भूल गई हूँ तुम्हारे घर पर। नहीं, मैंने नहीं देखा। शायद वॉशरूम में छूट गए होंगे। कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगी तो ले लूंगी। कल तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी, और ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुम अपना चश्मा भूल जाओ, वो भी बाथरूम में। अरे सारा, अच्छी लग रही हो यार आज काफी तुम।
ऐसा लगता है जैसे तुमने ओरिजिनल ब्रांड नहीं पहना। वो तो देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता नहीं, शायद ना हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम लोगों की तरह फेक बनने का शौक नहीं है। हेलो एशली, तुम्हारे मैसेज का ही वेट कर रही थी मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो केनान, मेरे पास एक बॉम्ब न्यूज है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर दूंगी, और वो खबर आ गई है, मगर तुम्हें जल्दी करनी होगी। अब मजा आएगा। वो ब्रिजिक है ना, उसका तो मैंने दिमाग ठिकाने लगा दिया। तुम्हें बताया था ना पार्किंग वाले कैमरों के बारे में, वो कैमरे एक हफ्ते से खराब थे, आज ठीक करने आए हैं वो लोग। इसका मतलब कोई रिप्ले नहीं दिख सकता। बिल्कुल यही बात है, लेकिन जब ब्रिजिक को पता चला तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। ये हंस क्यों रही हो? सोच रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही गधा है। लेकिन वो क्यों? तुम ये नहीं कह सकते थे कि रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे पास है? रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलो कुछ करते हैं हमारी प्यारी सारा के साथ। हाँ बोलो। शायद तुम जानती हो ना सारा को, जानती हो ना? जानती हूँ। तो अब मुझे ध्यान से सुनो लड़की, सारा जो भी करती है वो सब तुम मुझे बताओगी। इसका मतलब कि तुम्हारी जेब भरने वाली है, समझ गई? समझ गई। बहुत अच्छे। अच्छा चलो अब नई खबर सुनाओ। उसकी एक साइको सी माँ है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, और उसकी माँ हर वक्त ड्रिंक करती है। देखो ये वाला, ये अच्छा है। यहाँ पर होने वाली जितनी भी सेल होगी उसका कमीशन मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? बहुत आला, अकलमंद औरतों की बात ही और होती है। अकलमंद औरतों की बात ही कुछ और होती है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो दोनों बहुत समझदार हैं और खूबसूरत भी। एक आदमी को और क्या चाहिए? तो फिर मुझे इसके लिए तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ कह सकते हो। तो फिर हम पार्टनर हैं आज से, लेकिन हमें बहुत तेज काम करना होगा, क्योंकि मैं अपनी सेल से सबको बताना चाहती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। हाँ। मुझे कामयाब होना है जल्दी। क्या तुम वाकई ये कर सकती हो? रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। तुम्हारे शौहर भी यही कहेंगे, मैं जानता हूँ। वो ये समझता है कि तुम जैसी औरत कामयाब नहीं हो सकती।
विरजे कहाँ थी तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई थी तुम। तुम टॉयलेट में थी क्या? हाँ। सारा को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ छोटे छोटे से कदम उठाने पड़े मुझे। क्या मतलब? तुमने सारा को डिनर पे इनवाइट किया है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फिर क्या? तुम लोगों को वो वेट्रेस याद है, वो अजीब सी लड़की कैफे में? वो उसके पड़ोस में रहती है। मैंने उसे पैसे दिए और उसने अपना मुंह खोल दिया। क्या मतलब है? क्या कहा उसने तुमसे, बताओ? फिलहाल तो ज्यादा खास नहीं, अननेसेसरी डिटेल्स, लेकिन उसे पैसा दिख गया है, अब वो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएगी। अच्छा वैसे तुम कह रही थी सारा मुझे पसंद नहीं और अब पैसे देके उसी के बारे में इंक्वायरी करवा रही हो। तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि बिरजिक जिससे नफरत करती है उसी की इन्फॉर्मेशन ले रही है। मैं चलती हूँ। क्या हुआ है वैसे से? और सलीम के क्या हाल हैं? बताओ ना मुझे, तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो। क्या सच में? सलीम ने शायद तुम्हें इसलिए पसंद किया है क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे अलग हो। क्या फर्क पड़ता है? सलीम के आसपास रहने वाले लोगों को तो देखो सारा, सब के सब फेक हैं, सिर्फ और सिर्फ सलीम की अटेंशन लेने के लिए घूमते हैं। तुम सही कह रही हो, सब फेक हैं। और मुझे लगता है सलीम इनको पसंद नहीं करता है। तुम्हारे कॉलेज में आने से हमें सलीम भी दिखने लगा है, वरना वो नहीं दिखता था। सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है सारा, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है सारा, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? सारा, सारा एक मिनट मेरी बात सुनो। सारा रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो सारा। ठीक है। ठीक है, तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा। मैं मानता हूं कि हमने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी है। शायद तुम्हारे जहन में मेरे बारे में कुछ सवालात हों। हाँ मैं मानता हूं ये सब ठीक है, लेकिन सारा तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। क्या मैं गलत हूं? मतलब तुम सही हो। सारा क्या तुम अपना खौफ अपने खदशात एक साइड पर रख सकती हो? क्या हम दोबारा एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या? सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, दोस्तों की तरह कहीं खाना खाना चलते हैं। सारा सारा ना कहने से पहले एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार, प्लीज मना मत करना सारा, प्लीज। तो मैं क्या समझूं? मतलब इस खामोशी का जवाब मैं हां समझूं? बोलो सारा। ठीक है,
लेकिन मुझे शोर शराबे वाली जगह नहीं पसंद, जहाँ पे आपको आपके कपड़ों से और होलिये से जज किया जाता हो। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो, एक सिंपल सा डिनर और बस। तो फिर डन। हाँ ठीक है। किसके साथ डिनर पर जा रही हो और ये डिनर कहां से आ गया अचानक? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं? मुझे सब बातें आखिर में क्यों पता चलती हैं? अम्मी, शायद आपको आदत हो गई है मुझे घर बिठा के रखने की। पूरी जिंदगी में पहली बार डिनर पे जा रही हूँ मैं। तो डिनर के लिए कल नए कपड़े ढूंढे जा रहे थे? नहीं, उसकी वजह से नहीं। कल जो तुम्हें ड्रेस पसंद आया था, मैंने उसकी जिप ठीक कर दी है, अलमारी में लटका है वो। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं, सबसे अच्छी। किसके साथ जा रही हो डिनर पर? कौन है वो? उस लड़की के साथ जो उस दिन घर आया था, जिसने उस दिन फूल भी भेजे थे तुम्हें? नहीं अम्मी जान। मैं अपने दोस्त सलीम के साथ जा रही हूं। क्या? सलीम यूनिवर्सिटी वाला? हाँ वही। लेकिन आप उसको कैसे जानती हैं? एक माँ अपनी औलाद के हर दोस्त की खबर रखती है। उस लड़की का सारा से क्या लेना देना है? अरे यार, मुझे क्या पता। देख भाई, हम अपने मोहल्ले की लड़की को धोखा नहीं देंगे। हाँ हाँ, सही बात है। जब फालतू में पैसे मिल रहे थे तो मैंने मौका जाने ही नहीं दिया। मैंने सोचा फायदा उठा लिया जाए। हाँ, और उस उल्लू के पट्टे के पास उसकी रिकॉर्डिंग है, पक्की बात है ना? अरे हाँ, मैंने उसके मुँह से खुद सुना है। गुड है, तो इसका मतलब है वो अमीरजादी हमारे हाथों में है। अच्छा, अब गौर से सुन मेरी बात, देख हमें क्या करना है। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये तस्वीरें तुम्हारे बच्चों और शौहर को जाएंगी। मेरी जान, ये तैयारी तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन कर रही हूं। अब सब कुछ अच्छा होगा। तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो ये तस्वीरें तुम्हारे शौहर और बच्चों को जाएंगी। ओह या अल्लाह, आखिर ये कौन हो सकता है? एहसन जान, तुम हो? हाँ, मैं आ गया हूँ। हेलो मेरी जान, कैसा गुजरा आज तुम्हारा दिन? तुम कब से दो फोन इस्तेमाल करने लगी? हाँ, काम के लिए लिया है।
इतने सारे सप्लायर्स के साथ काम करना होता है, मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देना चाहती, ये इसीलिए खरीदा है मैंने। नया फोन खरीद कर किसी सप्लायर से बात करना पहली बार देख रहा हूँ। मैं जानती हूँ फिर क्या होगा हमारे साथ। तुम मुझसे कहोगे कि आधी रात को तुम्हें ये आदमी क्यों कॉल कर रहे हैं, तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं ये सब, इसीलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया। क्या गलत किया मैंने? ये डिटेल का सारा काम तुम्हारी टीम संभालेगी, तुम नहीं असना। ये भी क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा? फिर तुम ताने देती हो कि तुमने भी माजी में बहुत झंडे गाड़े हैं। हाँ बोलो। क्या लेकिन कैसे? Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, durur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, durur gider bahçelerim. Başıma gelen benim, aşk oyun ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak, duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim. Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider
हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने जब कहा कि तुम्हें ज्यादा रश वाली जगहें पसंद नहीं, तो मैंने घर पर तैयारी कर ली। क्या घर पे? हाँ, घर पर। अपनी दादी के घर पे? हाँ, उसी घर पर। हाँ, समझ गई। ठीक है। मतलब कोई मसला है क्या? मेरा मतलब था हम किसी ऐसी जगह जा सकते थे जहां ज्यादा रश ना हो, है ना? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कहीं और चलते हैं। देखो, ऐसा करते हैं कि अब घर नहीं जाते, क्या कहती हो? हम कहीं और चलते हैं डिनर करने। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने इतनी तैयारी की है, मैं नहीं चाहती तुम उदास हो। चलते हैं। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो सारा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा बस वही होगा, ठीक है? तो अब बताओ मुझे, मुझे लगता है तुमने जो प्लान किया है वही आइडिया बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं वहां। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है तुम्हें इसकी आदत भी पड़ जाए। ये मेरी दादी का घर है, छोटा सा म्यूजियम की तरह, लेकिन अब मेरे लिए काफी है। क्या मैं आपकी जैकेट ले सकता हूं? क्या तुम अब यही रहा करोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक है, मतलब घर की टेंशन से दूर, ये अच्छी जगह है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछो तुमसे। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? घर की टेंशन से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बाबा एक मुश्किल इंसान है, वो कभी खुश नहीं होते, और मैं कभी कभार गलती से उनसे बदतमीजी कर बैठता हूं, फिर उसके बाद हमारा घर एक जंग का मैदान बन जाता है। खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी, चलो चलकर देखते हैं कुछ कमी तो नहीं रह गई। आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है किसी अच्छे शेफ ने बनाया है। तो फिर ये कुर्सी आपकी मुंतजिर है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत औरत है, इसका जिस्म, इसकी हाइट सब मेरे जैसी है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो एहसन। तो पहले तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, सच बताना?
एक खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये एक अजीब सी बात है। नहीं समझा। शायद मेरे पास इस सब के लिए पहले वक्त नहीं था। इन सब बातों के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती सारा। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल है। सलीम, तुम और तुम्हारे दोस्त वक्त बर्बाद करना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम उनके साथ वक्त बर्बाद करते हो, बस मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है और साथ साथ मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बिरजी की तरह किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूं जो महंगी चीजों से शो ऑफ करे। हमारा ये मौजू नहीं है सारा। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? मुझे लगा था ये एक फ्रेंडली डिनर होगा। और मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता सारा। सच कहूं तो मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारी उम्र क्या थी जब यह वाकया हुआ था? 18 साल। जिंदगी कभी हम पे ऐसे बोझ डाल देती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस भी नहीं आएगी। ऐसा लगता है जैसे ये बोझ कभी हमसे उतरेगा ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमें इस सब की आदत पड़ जाती है। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। सुनो, आधी रात हो गई है, टाइम कितना जल्दी गुजर गया। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सारा। टाइम क्या हो गया?
फिक्र मत करो, कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। Afet yeri Yangında var depremde hangisini anlatayım ki Kimmiş beni söndürecek Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki Sarılırım, sarılırım Bırakmam, çağırırım अब मेरी जिंदगी में भी कोई है। सारा, आज काम पर नहीं जाना क्या? आज मेरी छुट्टी है। और यूनिवर्सिटी का क्या? अम्मी जान, कोई मसला नहीं अगर लेट हो गई तो। अरे अरे, आखिर हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। रात को वापस कब आई थी तुम? तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मुझे नहीं याद, मैंने तो घड़ी देखी ही नहीं। अब क्लास में मत सो जाना। नहीं सोऊंगी, आप परेशान मत हो। क्या आप मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हो? क्यों निकालूंगी मैं अपनी बेटी को? ठीक है फिर। और तुम्हारी रात कैसी गुजरी? और डिनर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छी, मुझे बहुत मजा आया। डिनर पर कहाँ गई थी तुम? हम सलीम की दादी के घर पे गए थे। क्या मतलब? यानी तुम दोनों अकेले थे या उसकी दादी भी थी? उसकी दादी तुम्हारे? अम्मी जान, सुबह सुबह इतने सवाल, बस कर जाए प्लीज। गुड मॉर्निंग।
हेलो प्यारी दादी जान, गुड मॉर्निंग। जी जी, मैं 24 साल का हो चुका हूँ। नहीं नहीं, कौन सी पार्टी, खूबसूरत शुरुआत हुई है मेरे 24वें साल की। अब किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। अब आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी काम में आई क्या? इतने काम की नहीं थी, लेकिन मैंने उसे काम के लायक बना लिया है। बहुत जल्द ही हम सारे मैगजीन्स में इनकी तस्वीरें देखेंगे। ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं। हाँ बोलो, क्या नाम सुन रही हूँ? ब्लॉक मैसेजेस, किस वजह से? समझ गई, ठीक है। लेकिन देखो, मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, समझ गए? याद रखना, वरना ये बहुत बुरा हो जाएगा। शुरू करें अब हम? एहसन मेरी जान, मुझे सब कुछ बताने का मौका तो दो। देखो, मैं सारी रात नहीं सोई, परेशान होती रही। हम पहली बार एक दूसरे से अलग सोए हैं, हम ऐसा कभी नहीं करते थे। प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं, बताओ। सुनने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि मेरी बीवी होने का मतलब क्या है। मैं तो तुम्हें बहुत अकलमंद औरत समझता था, लेकिन मैं गलत था। एहसन, तुम ठीक कह रहे हो। क्या मामला था तुम्हारे उस ट्रेनर के साथ? उसके साथ होटलों में बैठ रही हो, बातें कर रही हो, वक्त गुजारती हो। मीडिया वाले ऐसी खबरों की तलाश में होते हैं। तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा? एहसन, डरने की कोई बात नहीं थी, छुपाने के लिए कुछ नहीं था। मैं एक आदमी के साथ कारोबार कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, किसी से जलने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे गुस्सा सिर्फ तुम्हारी लापरवाही पे आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरे नाम पे स्कैंडल बने हैं और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एहसन, मैं कसम खाती हूँ, दोबारा तुम्हें शिकायत। शुक्र करो मैगजीन वाले मेरे दोस्त थे, वो तस्वीरें मैंने हटवा दी हैं। उन तस्वीरों की वजह से मुझे नुकसान तो हुआ है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ख्याल रखूंगी। असना, इस घर से निकलना चाहती हो तो जो दिल चाहता है वो करो। चाहो तो जाके मिलो उससे, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गई ना? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो मेरी जान, बिल्कुल सही सही। जब तक हम दोनों साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वादा करती हूँ तुमसे, वादा करती हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? सरप्राइज पार्टी कहा है मैंने ज़ैनब, इसमें ऐसा ना समझने वाली क्या बात है? विर्जिक, तुमने सारा को तो बुलाया होगा। नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। वैसे अगर बुला लो तो अच्छी बात है, आखिर में आके किसी मुश्किल में ना पड़ जाना। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। हाँ हाँ, जो भी होगा मैं बता दूंगी उसे आज। वो इतनी लेट कैसे तैयार होगी बिरजेक? मैं तैयार होंगी ना, और कैसी तैयारी, अपने बाल ही बनाकर आएगी और है क्या उसके पास करेगी। शायद सलीम और सारा कल रात साथ थे।
मैंने सलीम को कॉल पर बात करते हुए सुना था। अच्छा तो तुम अब फोन के अंदर के हालात भी जान लेती हो? हाँ बहुत ही क्रिएटिव हो तुम, बहुत ज्यादा। चलो चलो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। ये भी और वो, चलो देखते हैं ये तुम्हें कितना खुश कर पाती है मेरी जान। ये लो, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। क्या एक जानी मानी शख्सियत का जिम ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है? ये क्या है? ये कहां से आया? क्या मुसीबत है? लानत हो तुम पर, ये सब क्या हो गया है? लानत हो तुम पर। मेरी जिंदगी से मुश्किलात क्यों नहीं खत्म होती? सुनो, क्या मीडिया वालों को तुमने बुलाया था वहां? क्या तुम्हें तस्वीरें खिंचवानी थी? ये सब क्या, तुम्हें निकाल दिया है? ऐसा क्यों किया? ओ मेरे खुदाया, नहीं, अब इन हालात में नहीं हो सकता। मुझे किसी और तरीके से अपना काम आगे बढ़ाना होगा। मैं माफी चाहती हूं तुमसे। खुदा हाफिज। एहसन, तुम कैसे लोगों की जिंदगियों से खेल लेते हो? तुम कितने जालिम आदमी हो। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका दिन अच्छा हो। ये लड़का कौन है इसके साथ? मुझे तो लगता है भाई इसकी मंगनी हो गई है। तेरी वजह से हुआ ये सब। मुझको क्यों इल्जाम दे रहे हो? बार बार तूने उसकी मंगनी का बोल बोल के उसकी मंगनी करा ही थी। जब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो मंगनी तो होगी, मेरा क्या कसूर है इसमें?
हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। थैंक यू सो मच बाजी। मेरी दुआ है कि तुम्हें हर साल इसी तरह ढेरों खुशियां मिले। बहुत शुक्रिया आपका सलीम। अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय मेरी जान। बाय बाय। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी बर्थडे है? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, भूल जाओ। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ले आती हूँ, हम तुम्हारी बर्थडे भी सेलिब्रेट करते। हम कल रात पहले ही सेलिब्रेट कर चुके हैं। मैंने अपने नए साल की शुरुआत तुम्हारे साथ की, और क्या चाहिए। चलो शुक्र है, मुझे तुम्हारे फैंस से नहीं पता चला कि तुम्हारी बर्थडे है आज। अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, मेरी जिंदगी में तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं जिंदगी भर हंसी खुशी के साथ। अरे ऐसे मत देखो मुझे, मैं अपनी बाजी की बात कर रहा हूं, मतलब मेरी सिस्टर। क्या हुआ, बात हुई उससे? हाँ मेरी बात हुई थी, उस दिन की तरह नहीं था, काफी बेहतर था और आवाज से भी खुश लग रहा था। अच्छी बात है, कम से कम अपनी सालगिरह पे तो खुश हो। अरे यारा बस भी करो तुम, अब तुम भी बाबा की तरह उसके पीछे ना लग जाना। अच्छा तुम्हारे बाबा आ रहे हैं सालगिरह में? हाँ हाँ आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे वो। देखते हैं उसे खुश करने के लिए कौन सा तोहफा देते हैं। मेरे ख्याल से वो सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? अच्छा आपके बाबा और उनके सरप्राइज, लगता है बहुत मजा आने वाला है। तुम फिर शुरू हो गए, तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह हो, एक बात के पीछे पड़ जाते हो। बाबा जान मैं चाहती हूँ आप ये संभाल कर रखें। ये क्या है बेटी? कुछ गलत नहीं, बस मेरा कुछ खास सामान है इसमें। ठीक है, लेकिन ये अपने घर पे क्यों नहीं छुपाती? वहां नहीं रख सकती। असना क्या तुम अपने शोहर से कुछ छुपा रही हो? ये क्या बात है बाबा, मेरे कुछ जेवर हैं, कुछ सोना, कुछ फॉरेन करेंसी है, इसी तरह की चीजें हैं। हर औरत अपने लिए कुछ न कुछ जमा करती है, मैंने भी बस वही किया है। बेटी हमारा घर इतना महफूज नहीं है, और ये जानते हुए भी तुमने ये यहाँ छुपाने का फैसला किया है। मैं ये छुपाने को नहीं कह रही हूँ आपसे बाबा, सुने तो, मैं बता रही हूँ क्या करना है। हम एक साथ बैंक जाएंगे, वहाँ आप अपने नाम से एक सेफ लेंगे और मुझे उसकी अथॉरिटी दे देंगे। बाबा जान मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पर ही भरोसा है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। आ गया सलीम, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो आ जाओ बूढ़े आदमी, बैठते हैं, आ जाओ। बूढ़ा आदमी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ज़ैनब तुमने देखी क्या ये वीडियो? सलीम ब्रिजिक, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छे हो तुम। मैंने तुम्हें सुबह फोन किया था लेकिन तुमने रिसीव ही नहीं किया। हाँ हाँ मैं थोड़ा बिजी था ब्रिजिक। कोई बात नहीं,
सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। ये सब लोग हम दोनों को नहीं, सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं। मुझे देख रहे हैं? लेकिन क्यों? बिरजे, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूं, लेकिन तुम नाराज मत होना। क्या? तुम्हें ज्यादा पता होगा। क्या हुआ है? देखो। यार मेरे पास नोट्स नहीं है सारा। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे तुमने ये ब्रिजिक की वीडियो देखी क्या? ब्रिजिक की वीडियो? हाँ। ये क्या है? ये ब्रिजिक है क्या? इसको कोई बीमारी है? उफ, इस कॉलेज में कुछ भी नहीं छुप सकता यार। ये तो बहुत ही अजीब बात है यार, कोई अपने साथ ऐसा क्यों करेगा? खुद को तकलीफ देना, पता नहीं किसने पोस्ट की होगी। ब्रिजिक ऐसी ही लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है सारा। तुम अभी तक उस लड़की को ठीक से जानती नहीं हो। वैसे मुझे ब्रिजिक बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। ओहो, सब इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। हाय, ब्रिजिक की हालत अब कैसी होगी ना? देख रहा हूँ आजकल बहुत हवा में उड़ रही हो, क्या बात है? हाँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ अबूजर। यार ये नाम मत लिया करो, लगता है पता नहीं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। तो जैसे नाजन बहुत प्यारा नाम है। अच्छा अच्छा, इन बातों को जाने दो। ये बताओ ब्रिजिक के बारे में कोई खबर है? कोई खबर नहीं है, वैसे भी अब उसको मुझसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा जरा मुझे वो वीडियो तो सेंड करो। वाह भाई, पागल हूँ क्या? मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है? पागल हो गई है। तमीज से बात करो, मैंने तुमसे बदतमीजी की है क्या अभी तक? अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो बात मत किया करो मुझसे। अरे वाह, क्या बात है, देखो तुम्हारी दोस्त आ गई। अरे वो गुस्से में आकर कुछ कर तो नहीं बैठी? ज़ैनब, कैसी बातें कर रही हो यार तुम? ब्रिजिक से ही सीखा है सब मैंने, वही इन मामलात में मेरी टीचर है। कैसी हो तुम लोग? सलाम। ब्रिजिक को देखा तुमने? कुछ पता चला उसका? नहीं, कॉल नहीं उठा रही वो। मुझे लगता है कि शायद वही मसला है उसके साथ। हाँ देखा मैंने भी, बहुत ही अजीब सी वीडियो चल रही है हर जगह। मुझे यकीन है जिसने भी ये किया है ठीक नहीं। हाँ यार सही कह रही हो, शायद कोई पागल है। मेरी क्लास है अभी, बाद में पार्क में मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। See you soon. फिर मिलते हैं।
मैं कितनी अच्छी डायरेक्टर हूँ यार, मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ओ, बिरजिक की कहानी की प्रोड्यूसर आ गई। आओ पार्टनर बैठो। पार्टनर? औकात में रहो अपनी, हम पार्टनर नहीं हैं। कूल बनने की कोशिश मत करो। ठीक है पार्टनर नहीं है हम, फ्री मत हो ज्यादा। तुम तो बहुत ही अजीब लड़की हो यार, अगर उसे पता चल गया तो वो तो तुम्हें मार ही डालेगी। कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हो क्या तुम? बेटा पानी की गहराई में जाओगी ना तो डूब जाओगी। महल बना लो इनसे। ये कम है, इतने की बात नहीं हुई थी। बकवास मत करो तुम, ज्यादा फ्री मत हो, इतने ही पैसों की बात हुई थी। अब तुम मेरी कॉल का इंतजार करती रहो। और मुझे लग रहा कि वो हमें देख रहे हैं, लेकिन वो मुझे देख रहे थे। मैंने सबके सामने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सबके सामने। कैसी बातें कर रही हो बेटा, कैसा कॉम्प्रोमाइज? मम्मी रोना बंद करो, ये उल्टी करना नॉर्मल है। क्या मतलब नॉर्मल? आप फिर से वही बातें करने लगी हैं मम्मी। मुझे क्या करना चाहिए था, बस खड़े होकर तमाशा देखना था कि सब कैसे हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तुम उन सबको हंसता हुआ क्यों देखोगी? तुम्हें वहां से रोते हुए नहीं आना चाहिए था। क्या करूंगी मैं अब? सब भूल जाओ, बिल्कुल ऐसे रहो जैसे कुछ नहीं हुआ। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, अगर वो लोग किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं तो वो उनका मसला है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम तो अपनी रात वाली पार्टी की फिक्र करो। उफ, हाँ, वो भी चलो बस अब जल्दी से उठो और रिलैक्स हो जाओ। पार्टी ऐसी अरेंज करना कि बस मजा आ जाए, समझ गई ना? ठीक है, मैं समझ गई हूँ। देखो अदा की कॉल आ रही है, उठाओ। उफ, अदा। उठाओ ना। हाँ मेरी जान, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक कॉफी प्लीज। एक स्ट्रॉन्ग कॉफी मिल सकती है प्लीज? क्या हुआ? ज़ैनब, बिरजिक को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब क्या किया उसने? मैंने उसे कॉल की थी लेकिन वो ऐसे बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत ही अजीब लड़की है वो। मैंने तो पहले ही बोला था ये लड़की बहुत अजीब है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। और वॉमिटिंग तो एक आम सी चीज है, हमें भी होती है, लेकिन ये मीठा खा के उल्टी क्यों करती है पता है? वो क्यों ज़ैनब? क्योंकि ये नॉर्मल ही नहीं है। मतलब तुम बिरजिक को एबनॉर्मल बोल रही हो? हाँ, वो नॉर्मल नहीं है, पागल है यार वो। शुक्रिया। थैंक यू।
हैप्पी बर्थडे. Çaresizce beklerim dünyanın gözyaşını. Bujhao candle. Aa, pehle koi wish mango. Rüzgar okşa onun saçlarını, benim yerime fısılda kulağına sevdiğini. Rüzgar dolaş onun. मांग ली. Sırılsıklam aşığım, sarılsam, kucaklasam, kurusam koynumda. ये मैं तुम्हारे लिए शायद कुछ ज्यादा नहीं कर सकी, लेकिन कॉलेज में बस यही अरेंज हो सका था. हाँ हाँ, मेरे लिए यही बहुत है. वैसे क्या मैं एक और दुआ मांग सकता हूँ? हाँ. हम सलीम के लिए एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं, तुम ठीक 10 बजे क्लब पहुंच जाना. क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, अम्मी का मैसेज है. ओह अच्छा अच्छा, आ जाओ. तो अब मैं ये केक खा रहा हूं. तुम भी लो. कैसा है? अच्छा है. ये नई मशीन क्यों लाई हो? मैं काम शुरू करूंगी. काम? क्या मतलब? तुमने खुद ही तो कहा था मुझसे, अगर तुम्हें सिलाई आती है तो तुम सिलाई करो, अपना काम करो. मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था. मैंने तुम्हारी बात मान ली. मेरी बात? बिल्कुल. अब मैं अपना खुद का काम करूंगी और सारा के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लूंगी. अच्छा, तो फिर कस्टमर कहां से लाओगी? सारा को पता है ये बात? नहीं. लेकिन ये मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए? बरकत भाई से उधार पैसे लिए हैं मैंने. वो तो सूद पर पैसे देता है. बस ज्यादा बातें मत करो. अगर सारा के सामने तुमने ये सब बातें की तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, सुन लो. या मेरे अल्लाह, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है. चलो जाके अच्छी सी कॉफी बनाओ मेरे लिए, मुझे कॉफी की जरूरत है. अम्मी जान, आपका ये नया शौक कैसे जाग गया अचानक? नया तो नहीं, बताया तो था तुम्हें मैंने. अम्मी, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? क्या कह रही हो, मैं क्यों मजाक करूंगी? इसमें मसला क्या है, सिर्फ कपड़े ही तो सीने हैं. तुम्हारी नानी भी दर्जन थी बेटा. क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए हैं? जहाँ से तुम्हें मिलते हैं पैसे, अपने बाल डाई करवाने के और मैनीक्योर करवाने के लिए. अम्मी जान, मैं जॉब करके पैसे कमाती हूँ और मैंने ये मैनीक्योर और हेयर डाई होटल के सैलून से करवाया है, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए. मैंने भी ये मशीन 1 महीने के वादे पे ली है, 1 महीने में दे दूंगी. ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है.
मैंने उधार लिए हैं पैसे, सुन लिया तुमने? लेकिन किससे? बिन्नास से, खाला जान से। हाँ बिल्कुल। और उनके पास कहाँ से आए पैसे? तुम फिर तफ्तीश करने शुरू हो गई, आ गए होंगे उसके पास कहीं से पैसे। बिन्नास मेरी पार्टनर है इसमें। अम्मी अभी आपने कहा कि आपने उनसे पैसे उधार लिए हैं और वो आपकी पार्टनर भी बन गई। अम्मी मुझे यकीन है आप कोई और मुसीबत नहीं खड़ी कर रहे। बस करो, बहुत हो गया है। तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। अम्मी जान क्या हो गया है आपको? हमने तो सलीम की बर्थडे पार्टी के लिए तोहफा भी नहीं लिया। मैं इंतजाम कर चुका हूँ। वाकई में? क्या खरीदा? वहीं जाकर देख लेना। मुझे नहीं बताओगे? क्या तुम उसे कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हो? सलीम मेरा एक ही बेटा है। ऑफ कोर्स, जानती हूँ मैं ये बात। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं, तुम तैयार होकर आ जाना। सारा, क्या तुम तैयार हो गई हो? तुम अपनी एक पिक्चर तो भेजो। तुम्हें तो हर चीज की बहुत टेंशन होती है पिनार। अरे भेज भी दो ना यार। मैं भी तैयार नहीं हूँ, तुम्हें पिक्चर्स कैसे भेजूं? अरे जल्दी तैयार हो, तुम देख रही हो टाइम क्या हुआ है। तुम फोन रखोगी तो तैयार होंगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ तुम पार्टी में जाके एंजॉय करो, ठीक है? बाय बाय। आए अल्लाह, मर गई मैं। आए अल्लाह, आए, आए, क्या हुआ? सारा आके देखो, मेरे टखने में लग गई है बहुत जोर से। आए, आए, आए। अम्मी, अम्मी जोर ना दे, आप गिर कैसे गई अम्मी? मुझे क्या पता कैसे गिर गई, मैं तो उसको अंदर लेके जा रही थी, पता नहीं अचानक कैसे गिर गई मैं। अल्लाह करे पैर में बस मोच आई हो, कोई हड्डी ना टूट गई हो। रुके रुके, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। उफ सारा, बर्फ लेकर आओ, बर्फ लगाओ मेरे। उफ क्या ना कहानी आ गई मुझ पर। उफ, आए, आए। रखो सारा, जल्दी करो। रुके, Thank you.
दोस्तों खुशामदीद। बिरजिक हर चीज बहुत अच्छी लग रही है और खास तौर पर तुम भी। बिरजिक कैसी हो तुम यार? क्या मतलब कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें? प्यारी। नहीं, मैं उस वीडियो के हवाले से बात कर रही हूँ। हाँ, मगर शायद तुम लोगों ने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया है। किसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वेरी स्टूपिड। चुप रहो सलीम, तुम्हारे बगैर घर सुना सुना लगता है। तो आप लोगों ने मिस किया मुझे? बहुत मिस किया है तुम्हें। घर खाली हो जाता है तुम्हारे जाने से। एक बात बताओ, तुम्हें कॉफी तक तो बनानी आती नहीं है, अकेले किस तरह से रह रहे होगे? शुक्रिया यूसुफ अंकल और उनकी वाइफ का, उनके बगैर तो कुछ नहीं कर सकता था। बहुत ख्याल रखा। अच्छा, अगर वो नहीं होते तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कर देती ये सब? हाँ जाहिर है, वो काम भी करती है और पढ़ाई भी, और फिर मेरी जिम्मेदारी लेना मुश्किल होगा उसके लिए। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, वो लड़की बहुत मजबूत और हिम्मत वाली है। क्या वो अपने बाबा के होटल में काम करती है? नहीं, हमारे होटल में। पैसे कमाने के लिए उसे हाउसकीपिंग का काम भी करना पड़ता है। क्या मतलब हमारे होटल में? तो तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मतलब ये तो अच्छी बात है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। सलीम, सारा का सुनकर ब्रिजिक का क्या रिएक्शन था? बाजी इस बात का उससे क्या लेना देना, उसका कोई भी रिएक्शन हो मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत याद किया आपको। और हम आ गए। पार्टी तो अच्छी अरेंज की है तुमने, जबरदस्त। थैंक यू। मैंने सब कुछ ऐसा किया है जैसा आप चाहते थे, वो देखिए। काफी बोझ डाल दिया था तुम पे। कैसे हो सकता है ऐसे, मैंने बहुत खुशी से ये सब किया है, वो देखिए ना। सलीम बहुत खुश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा वॉशरूम कहाँ है। जी मुझे पता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप आंटी को टॉयलेट तक ले जाएंगे प्लीज? आइए। बिल्कुल। उफ, इस लड़की को तो देखो यार। जैनब, तुम्हें बिरजिक से क्या मसला है मुझे बताओ जरा। अरे अदा, तुम्हें क्या हो गया है यार, कैसी बातें कर रही हो? पता नहीं, जब देखो उसी की बात करती रहती हो। क्या लग रहा है तुम्हें? पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैनब बिरजिक से नफरत करती है, ऐसा है क्या? बिला वजह की बात मत करो। आज रात खाने के बाद मैं तुम लोगों को ड्रिंक्स पर लेकर चलूंगा। अरे वाह, मैं जानता हूँ आज रात आप एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल करूंगा, क्योंकि आज तुम्हारी बर्थडे जो है। मुझे लगता है कि सलीम का कुछ और प्लान था आज के लिए। नहीं नहीं, अभी कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं है, सीधा घर जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई और प्लान नहीं है तो ओनर की ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ बाजी। ये तो अच्छी बात हो गई। तुम्हें यहाँ का म्यूजिक बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल लाइट म्यूजिक है।
जानम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं ना? ये क्या हुआ ओनर? पता नहीं क्या हुआ, देखकर उतरना, गिर ना जाओ। बहुत हाँ ठीक है, चल संभल कर। हाँ सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बाजी। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे, आई लव यू सो मच। खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। तुमने फिर मुझे बेवकूफ बनाया, सारा दिन जरा भी पता नहीं लगने दिया तुमने। आज रात तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। चलो आओ सारा, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आप बुराक के पास चलें, आ जाओ। बाद में मिलते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आपका। वेलकम सारा, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू प्रोफेसर। सारा, शायद हॉस्पिटल में हम दोनों मिल चुके हैं पहले। बेटा क्या हमें नहीं मिलवाओगे अपनी दोस्त से? हाँ हाँ, ये सारा और ये मेरे बाबा। मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके अच्छा लगा। हमें भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन दोनों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम इतनी खूबसूरत हो। और एक और बात, तुम यूं ही खामोश रहती हो या बोलती भी हो? अब क्या कह सकते हैं, ये शर्मीली बहुत है। स्वीट है। अब आप इजाजत दें तो मैं सारा को दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊं। वेलकम,
क्या हमारे बेटे को मोहब्बत हो गई है या ये सिर्फ मुझे लगता है? ये तो वही आदमी है जिसकी सलीम की गाड़ी से टक्कर हुई थी। लेकिन ये आदमी तो मर गया था। हाँ, लेकिन ये मुझे माफ कर दें सलीम साहब,